गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड 5C, टुडे वी विल डू 5D। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 5D इज, इसमें हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द प्रोडक्ट, यू में यूज द मैथड हॉरिजेंटली और वर्टिकल। इसमें हम हॉरिजेंटली और वर्टिकल दोनों में से किसी भी मैथड का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, हम इसमें वर्टिकली हॉरिजेंटली मैथड का यूज करेंगे, बिकॉज हॉरिजेंटली मैथड क्या होता है, थोड़ा सिंपलियर होता है। किसके कंपेरिजन में? वर्टिकल के कंपैरिजन में। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी है, इसका ए पार्ट हम करेंगे। y माइनस सिक्स टू वाई प्लस सेवन। ओके, ये हमारे पास दो नंबर्स है, दो ब्रैकेट्स है, इनको हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास मीन है इसका, पहले हमें इसकी मल्टीप्लाई इससे करना है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे। कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। पहले हम y की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, तो इट मींस y ब्रैकेट 2y प्लस 7, इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस 6 की मल्टीप्लाई 2y प्लस 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, y की मल्टीप्लाई 2y से करेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, y की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो प्लस का 7y। प्लस का क्यों आया, बिकॉज हेयर इज ऑल्सो प्लस एंड हेयर इज ऑल्सो प्लस, तो प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। माइनस 6y की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो माइनस प्लस माइनस 12y एंड माइनस माइनस प्लस माइनस 7 सिक्स जा 42। ओके, नाउ इसमें जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे, जैसे कि 2y, y वाला एक ही है, स्क्वायर वाला एक ही है, y वाले दो हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 12 में से 7 जाएगा 5y माइनस 42। दिस इट मीन्स कि 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 42 इज द सॉल्यूशन, ओके, ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट। अंडरस्टूड? तो ऐसे ही आप इनको सॉल्व कर लेंगे, इसका बी पार्ट सी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। x माइनस 2 की मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये भी बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा ही है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें भी हमें क्या करना है, पहले इस x की मल्टीप्लाई इन सबसे, फिर इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई इन सबसे, तो इट मीन्स x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड देन आफ्टर माइनस 2 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जब हम x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो इट विल बी एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस x की मल्टीप्लाई माइनस 3x से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस x की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 6x और माइनस माइनस प्लस माइनस 2 जा 4। नाउ इनमें जो लाइक टर्म्स है उसको हम एक साथ कर देंगे, जैसे कि क्यूब वाला है तो क्यूब वाला और भी कोई टर्म नहीं है तो इट विल बी एक्स क्यूब, स्क्वायर वाला हेयर इज ऑल्सो स्क्वायर, हेयर इज ऑल्सो स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 3 to 5 x स्क्वायर, एक्स वाला यहाँ पर प्लस है यहाँ प्लस है तो प्लस 6 to 8 x एंड माइनस 4। ओके, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 2 एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 5th को हम सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ सेल्फ प्रैक्टिस 5E, सेल्फ प्रैक्टिस 5E इज ऑल्सो ईजी। सेल्फ प्रैक्टिस 5E में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, देर आर 4-4 पार्ट्स एंड 4-5 पार्ट्स ऑफ ईच क्वेश्चन, तो हम इसमें ओनली 1-1 पार्ट जो है सॉल्व करेंगे एंड रिमेनिंग पार्ट्स आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। जैसे बच्चों इनमें 4-4 पार्ट हैं तो आपको इनमें चारों के चारों पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। जैसे जिनमें ज़्यादा पार्ट्स आते हैं, जैसे 5-6 पार्ट्स आ गए
तो 6 पार्ट में से आप 3 पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके अंडरस्टूड। तो चलिए बच्चों हम जल्दी से जान लेते हैं। क्वेश्चन 1 सेल्फ प्रैक्टिस 5 भी 9x की पावर 7 अपॉन 3x की पावर 5। ओके अंडरस्टूड। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जैसे कि हम देखते हैं 9 और 3। ओके तो जब हम इन्हें अलग कर लेते हैं तो x की पावर 7 और x की पावर 5, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 9 upon 3 multiply x की पावर 7 upon x की पावर 5। ओके ये हमारा टर्म अलग हो गया और ये वाला टर्म हमारा अलग हो गया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी यूज़ हो जाती है। कौन सी आइडेंटिटी? x^m/x^n। ये क्या है? x की पावर m और x की पावर n, मतलब बेस इनका क्या है? सेम है और पावर इनके अलग है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बेस को सेम रखते हैं और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, m-n। ओके अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा बच्चों, सेम यही वाली आइडेंटिटी x^m-n हो जाएगा। ओके आपको दिखने लगा x^m-n, तो यहाँ पर भी यही कंडीशन होगा। ओके तो हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे हम इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 3, 3 3 9, तो 3x की पावर 2। टू कैसा है बच्चों? बिकॉज यहाँ जो हमारा है क्या है, बेस x है और पावर 7-5, तो ये हो जाएगा x की पावर 2। ओके तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा फर्स्ट पार्ट का। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी का यूज़ करके फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व बाय द दिस आइडेंटिटी। ओके अंडरस्टूड। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू सेल्फ प्रैक्टिस 5F and 5G एंड 2-3 एक्सरसाइज आर लेफ्ट, वी विल कंप्लीट इट इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। Thank you for watching this video. We will meet again in our next class.